हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जी के क्वेश्चन। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह है? वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद की कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? वो हैं 5। इसके सिर्फ 5 ही स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? वो है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, शाहनामा किस की कृति है? वो है फिरदोशी की कृति। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। 6th क्वेश्चन है, किस धर्म के लोग वैसाखी त्यौहार मनाते हैं? वो है सिख धर्म के लोग वैसाखी त्यौहार मनाते हैं, यानी कि पंजाबी इस त्यौहार को मनाते हैं। 7th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य पर लागू हुआ है? वो हुआ है जम्मू कश्मीर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकली है? वो है निकली है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर भाखड़ा नालंग बांध है? वो है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन शिक्षक दिवस मनाया है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकली है? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? सहसूत की पत्ती, इसने वो सहसूत के पेड़ पर ही होता है। 13th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। 14th क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो होती है आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग। 15th क्वेश्चन है, कौन सी हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं। 16th क्वेश्चन है, कौन फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? वो थे बेन किंग्सली। 17th क्वेश्चन है, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करा था? शेर शाह सूरी। 18th क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा था? वो था प्रदीप जी ने लिखा था। 19th क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण वायु दाब होता है? घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है, वायु का दबाव होता है। किस चीज़ के कारण वायु का दबाव होता है? घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। 20th क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़े ये कुछ मुख्य क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए चैनल पर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।